दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जितने भी लोग जो है एसी टेक्नीशियन का काम सीखना चाहते हैं उनको जो है थोड़ी सी आज मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जो है वो लोग कितना पैसा कमा सकते हैं इस काम में। तो उन लोगों को थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा, पता हो जाएगा कि वो काम सीखें या ना सीखें। तो इस वीडियो में आज हम यही बताएंगे। तो जितने भी लोग जो है मतलब काम सीख चुके हैं, काम कर रहे हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो लोग अपना मतलब जो है सोच रहे हैं कि हम जो है इस काम को सीखें, तो उन सभी के लिए ये वीडियो है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी लोग जो है इस फील्ड में जाना चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो है अगर आप काम सीखेंगे तो कितने दिन में सीख जाएंगे। दोस्तों अगर आप काम सीखेंगे तो वो आपके ऊपर होता है कि जो है आप कितने दिन में काम सीख जाएंगे। काम सीखने में वैसे 1 साल 2 साल 3 साल भी लग जाता है। हर किसी बंदे का दिमाग अलग होता है और हर किसी बंदे का काम करने का तरीका अलग होता है, तो जिसकी वजह से जो है हर किसी को अलग अलग टाइम लग जाता है। जो बंदा जल्दी दिमाग लगाता है वो 6 महीने से 1 साल के अंदर भी सीख जाता है, और जो थोड़ा सा मतलब जो है जिसको टाइम वगैरह का भी प्रॉब्लम होता है या काम सीखने को नहीं मिलता है, उनको भी जो है लगभग 1 से 2 साल में आराम से सीख जाते हैं। तो मेरे को नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा टाइम किसी भी बंदे को काम सीखने में लगेगा। तो अब जब आप काम सीख चुके हैं तब आपकी जो है बात होती है सैलरी की। सैलरी की बात करें तो अगर आप लोग जो है इंडिया में रह करके काम करते हैं तो इंडिया में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सभी लोगों को पता है कि जो है इस काम में कितनी सैलरी मिलती है। बहुत ज़्यादा अगर आप जो है मतलब दिल्ली या फिर जो है मुंबई चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है, यानी कि 15,000 तक आपको हो सकता है मिल जाए। लेकिन अगर आप लोकल अपनी जहाँ पर मतलब लोकल सिटी में है वहाँ पर जो है अगर रह करके काम कर रहे हैं किसी के पास या किसी कंपनी में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10 हज़ार रुपये ही आपको मिलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप खुद का अपना काम करते हैं उसमें जो है आपको टाइम थोड़ा सा व्यतीत करना पड़ता है, लेकिन आपको जो है अच्छी खासी इनकम हो जाती है। वो आपके काम के ऊपर होता है आप जो है कितना कमा सकते हैं और कितना जो है आपका कस्टमर बन चुके हैं, तो उसके आधार पर होता है। और दोस्तों अगर आप कंपनी की बात करें तो कंपनी आपको जो है उसी हिसाब से सैलरी देगी, यानी कि 9,000 10,000 से ऊपर आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जो लोग अपना खुद का भी काम करते हैं इंडिया के अंदर उन सभी लोगों को मालूम है कि जो है कितने दिन का ये काम चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने और 5 महीने यही चलता है। लेकिन अगर आपको जो है उसके अलावा कोई और भी काम मालूम है ठंडी में, जैसे आप जो है जब आउट सीजन होता है उस टाइम पर अगर आप कोई काम कर सकते हैं तो उसकी बात अलग है, आपका काम जो है 12 महीने चल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं अगर आप जो है इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं काम करने के लिए। दोस्तों जैसे कि आपने जो है काम सीख लिया है, काम सीखने के बाद आपको ज़रूरी है कि जो है आप इंडिया में लगभग 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस ले लें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप बाहर जाएंगे तो आपको जो है 100% हर चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। दोस्तों मान लिया आपने जो है एक्सपीरियंस भी ले लिया है इंडिया में, काम वाम सीख चुके हैं, एक्सपीरियंस भी ले लिए हैं, अब जो है आप बाहर चले गए हैं। बाहर गए हैं तो बाहर जाने पर जो है आपको वहाँ पर किसी भी कंपनी में जॉब मिल गई है। अब जॉब मिल गई है तो जॉब में कितनी सैलरी मिलेगी शुरुआत में, यही चीज़ आज हम आप लोग को बताने वाले हैं। दोस्तों जब भी आप पहुँच जाते हैं वहाँ पर और आपकी कंपनी में जो है जॉब लग जाती है तो आपको सैलरी लगभग 1,000 से 1,200 दिरहम स्टार्टिंग में, जो भी नया एसी टेक्नीशियन इंडिया से दुबई जाता है उसको यही सैलरी मिलती है। दोस्तों वो जो आपको 1,000 या 1,200 दिरहम यूएई का दुबई का मिलता है वो लगभग इंडिया में 20,000 से 24,000 हो जाता है। उसी में जो है आपका खाना पीना भी होता है, जो नया एसी टेक्नीशियन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसी में आपको जो है खाना पीना भी करना होगा, रूम कंपनी का फ्री होता है। और उसके बाद अगर आपको सैलरी की मैक्सिमम सैलरी की बात करें कि मतलब जो है आप इसमें कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं एसी टेक्नीशियन के काम में दुबई जा कर के, तो आप जो है आपको 2 या 3 साल 4 साल आपको जो है वहाँ पर लगाने पड़ेंगे किसी भी कंपनी में जो है काम करना पड़ेगा, उसके बाद में जो है आपकी सैलरी 30 से 40 हज़ार या 50 हज़ार तक भी हो सकती है, आपके एक्सपीरियंस और काम करने के तरीके के ऊपर। काम करने के तरीके इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ में जो है मतलब उतना सफाई नहीं होती है या उतना तेज़ी नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ में जो है जल्दी सफाई आ जाती है, जल्दी जो है उनका जो है काम साफ़ सुथरा रहता है और उनको जो है काम करने में जल्दी होता है। तो उन लोगों की मैं बात करूं तो वो लगभग जो है 40 से 50 हज़ार महीना भी कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 3 से 4 साल जो है वहाँ पर काम करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी। छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए शेयर किया है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं उसका वीडियो आप लोगों के साथ जरूर